कोरबा में महुआ शराब पर कार्रवाई करने पहुंची आबकारी विभाग की टीम को गांव की महिलाओं ने घेर कर किया हंगामा। पुलिस के पहुंचने के बाद आबकारी की टीम को छुड़ाया गया। महुआ शराब बिक्री को लेकर चर्चित है पतरापाली गांव। प्रतिबंध के बाद भी क्षेत्र में बिक रही अवैध कच्ची शराब समाज में कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। क्षेत्र में खुलेआम हो रही अवैध शराब की बिक्री से जहां गांव का माहौल खराब हो रहा है, वहीं युवा पीढ़ी भी नशे की आदी होते जा रही है। कटघोरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत जेंजरा के आश्रित ग्राम पतरापाली महुआ शराब बनाने व बेचने के लिए प्रसिद्ध है। जब आबकारी विभाग की टीम पतरापाली में कार्रवाई के लिए पहुंची, जहां उनके द्वारा एक दो जगह छापामार कार्रवाई करते हुए महुआ शराब को जब्त किया गया। इस कार्रवाई को लेकर गांव की महिलाएं बड़ी संख्या में आबकारी विभाग की टीम को घेर लिया और हंगामा शुरू कर दिया। जब आबकारी विभाग की टीम को महिलाओं की संख्या और हंगामा को देख खतरे का अंदेशा हुआ तो उनके द्वारा कटघोरा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर थाना डायल 112 को भेजा गया, जहां स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डायल 112 के जवानों ने कटघोरा थाना प्रभारी नवीन देवांगन को वस्तु स्थिति से अवगत कराया, जिस पर तत्काल थाना प्रभारी नवीन देवांगन अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां बिगड़ती स्थिति को संभाल आबकारी टीम को सुरक्षित वहां से रवाना किया। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत जेंजरा के आश्रित ग्राम पतरापाली में दो चार घरों को छोड़ लगभग सभी घरों में महुआ कच्ची शराब बेची और बनाई जाती है। इतने बड़े अवैध कारोबार पर कार्रवाई करना भी प्रशासन के लिए एक चुनौती साबित हो रहा है। वजह है कि गांव में एकजुटता, यदि पुलिस या आबकारी विभाग की टीम इस गांव में कार्रवाई करने पहुंचती है तो गांव के सभी लोग एकजुट होकर कार्रवाई करने वाली टीम को घेर लेते हैं और हंगामा शुरू कर देते हैं, जिस पर टीम को मायूस होकर लौटना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि अवैध शराब के कारोबार की जानकारी जिले के आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन को न हो, लेकिन जानकारी के बावजूद भी अवैध शराब की बिक्री पर लगाम न लगने से विभाग की कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में खड़े होती दिखाई दे रही है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट।